तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज 6 मार्च 2018 है और इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली दैनिक जागरण न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी। ये लेसन इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। आप यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। स्टेट मेरिट इन 10th, बायोलॉजी स्ट्रीम 2 इन 12th, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना बंगलोर इन 2012, एंड FCI सेलेक्टेड इन 2016, SSC CGL प्री क्लियर इन 15 एंड 17, IBPS PO मेंस क्लियर, UPSC CDS एग्जाम क्लियर, UGC नेट ज्योग्राफी क्लियर। ओके, इन सब के बाद आपने जो पढ़ा है मेरे बारे में, सब के बाद हम आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं, हमारे लेसन पर मूव होते हैं। तो जो पहला हमारा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो आर्टिकल लिखा गया है, वो बस्ते से बढ़ते बोझ की चिंता जगमोहन सिंह राजपूत ने लिखा है। और इसमें बस्ते से बढ़ते बोझ से आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, उनकी स्कूल्स में जिस प्रकार से उनके उनके जो बैग हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर ये लिखा गया आर्टिकल है। तो मैं आपको एक समरी बता दूं पहले कि आपने देखा होगा आपके घर में अगर आप छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो, और उनकी आप अपने खुद से उस टाइम से तुलना करके देखें जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे, तो आपको मालूम होगा कि आप दो तीन कॉपियां किताब ले जाते थे एंड दैट्स ऑल। लेकिन आज जो है वो जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में पढ़ते हैं अगर, तो उनका बोझ, उनके बस्ते का बोझ उन्हें इतना ज्यादा ले जाना पड़ता है ना, जब बच्चा 20 किलो का है, वजन उस पर रखा है 10 किलो। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक अच्छा है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, तो इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो अभी हाल में जो हमारे चारडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है उनको आधा कर देने की घोषणा हुई है। तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आधा हो गया, मतलब किताबों का बोझ आधा हो गया। अंडरस्टूड? एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जैसे ही आधा हुआ तो किताबों का बोझ आधा हुआ। अब किताबों का बोझ जैसे ही आधा हुआ तो बच्चे के बस्ते का बोझ कम हो गया। बच्चे के बस्ते का बोझ कम हुआ था, उसका फिजिकल डिसऑर्डर या फिजिकल उस पर जो बर्डन पड़ने पड़ रहा था वो कम हो गया। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को आधा करने की घोषणा हुई। दूसरी बात, अब निजी स्कूल बस्ते का अधिक से अधिक बोझ रखते हैं। रीजन क्या है? निजी स्कूल में होता क्या है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हर जगह लागू होती है, सीबीएसई पैटर्न है वहां पर भी, तो वहां पर जब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लागू होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ जो निजी प्रकाशक है उनकी कम से कम दो तीन पुस्तकें रखते हैं। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अलावा एक, या तो मैं कहूं कि भाई कुछ ऐसे उनकी सांठगांठ होती है कि नहीं पब्लिशर्स से, तो वो कहते हैं कि भाई इनकी बुक खरीद लो और हम आधा आधा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी होता है। मैं नहीं कहता हर इंस्टीट्यूट या हर स्कूल में ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई सांठगांठ करके के प्रकार जो पब्लिशर है उनका पैसा बढ़ाने के लिए, उनकी आमद बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, और खुद की आमदनी भी बढ़ती है इससे। निजी प्रकाशकों की बुक भी कंपल्सरी कर दी जाती, वो कंपलसरी कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि हर बच्चे को वो खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। क्या सबको मालूम है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो इतनी बेस्ट है कि यूपीएससी एस्पिरेंट भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। साहब आप कहाँ कंपेयर करोगे निजी प्रकाशकों को एनसीईआरटी की बुक से? ठीक है, तो अदर इंस्टीट्यूशंस या अदर जो स्कूल्स होती है उनमें ये होता है कि भाई जो ये समझते हैं टीचर्स की भाई, या तो उन्हें एनसीईआरटी की पुस्तकें समझ में नहीं आती होंगी, या उनको 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 क्लियर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, वो किसी पार्टिकुलर पब्लिशर के ऊपर ध्यान देकर उनकी बुकों को पढ़ाते होंगे क्लासेस में। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें के साथ साथ वो निजी प्रकाशक की भी कम से कम दो तीन पुस्तकें लागू कर देते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल्स में। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो बच्चे का, बच्चे की लाइफ में उनके माता पिता का होता है। तो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आया बच्चा, उसकी ट्यूशंस और कोचिंग भी लगे होते हैं। आपके आपके घर में अगर कोई बच्चा, आप फील करेंगे इस चीज को कि आप उनका ट्यूशन और कोचिंग भी लगा होता है, या फिर मैं ये कहूं कि बच्चा स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन या कोचिंग जाता है, वो घर नहीं आता। तो अब डायरेक्ट जाएगा तो भाई वो घर से ही सारा अपने ट्यूशन का सामान भी ले जाएगा, कोचिंग का सामान भी ले जाएगा, तो उसका बोझ डबल हो गया। या फिर अगर वो स्कूल से घर आ रहा है तो स्कूल से घर आकर वो आराम नहीं कर रहा,
वो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सीधा ट्यूशन जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें होती है, डांस होता है, टेबल टेनिस, स्विमिंग इत्यादि की कोचिंग लगा दी जाती है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को सब कुछ कराते हैं, मतलब उसे डांस भी आना चाहिए, उसके उसे उसे सिंगिंग भी आनी चाहिए, उसको स्केटिंग भी आनी चाहिए, उसको स्विमिंग भी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज आनी चाहिए। भाई आप कितनी चीज सिखाओगे? एक बच्चा है वो पढ़ने में होशियार है, उसे पढ़ने दीजिए। एक बच्चा है वो टेबल टेनिस खेलता है, उसे डांस क्यों करवा रहे हैं आप? उसे टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, वो टेबल टेनिस खेले, आप उसे डांस करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? बेफालतू की चीजों में आप बच्चे का टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे को फिजिकल और मेंटल रूप से आप हरेस कर रहे हैं। तो ये जो कोचिंग होती है, इनके कारण भी बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सरकारी स्कूल और राज्य के बोर्ड से संबद्ध किताबें और स्वेटर, जैसे आपने देखा होगा कि जो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, उन स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को किताबें और ये जो होती हैं वो मुफ्त मिलती हैं स्कूल्स की तरफ से, लेकिन वो भी कई बार क्या, ज्यादातर टाइम पे नहीं मिल पाती। इस कारण बच्चे जो बच्चा होता है तो उसकी एक तो पढ़ाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो उन्हें कई जगह स्वेटर भी वितरित किए जाते हैं, तो ये भी टाइम से नहीं मिल पाते। एक चीज ये होती है कि भाई जो प्राइवेट, मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें गेस्ट टीचर्स ज्यादा लगाए जाते हैं। गेस्ट टीचर्स का मतलब भाई एक तरह से ट्यूशन पढ़ाने आ जाते हैं और उनको कुछ मानदेय मिलता है। वैसे जो मान लो कि भाई टीचर्स हैं उनको 30,000 रुपये मिल रहा है, तो उनको 5-7 हज़ार में लगा दिया जाता है। तो वो जो अतिथि अध्यापक होते हैं, वो जो गेस्ट टीचर होते हैं, वो भाई 5-7 हज़ार रुपये उनसे लेते हैं, तो वो क्यों इतना ध्यान देंगे? क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर सेल्फ के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। तो वो जो गेस्ट टीचर होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पर, और बच्चों पर अगर वो ध्यान नहीं देते तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और बच्चों का जो शैक्षिक माहौल है बच्चों को वो मिल नहीं पाता। दूसरी बात, इसके बारे में देशव्यापी बहस हुई थी। हमारे जो सम्मान्य साहित्यकार आर के नारायण थे, उन्होंने राज्यसभा में भाषण प्रारंभ किया था इसके बारे में, भाषण दिया तो सबको लगा कि हाँ इसके बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने पैक म्यूल शब्द का इस्तेमाल किया था, जैसे हम खच्चरों का उपयोग करते हैं सामान को ढोने के लिए, उसी प्रकार हम आजकल बच्चों का उपयोग कर रहे हैं उनकी किताबें ले जाने के लिए, ETC, DTC। तो इसके बाद एक प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई कि भाई बच्चों का बोझ, बच्चों की बस्ते का बोझ कम किया जाए, और जो NCERTs हैं, NCERT की बुक्स हैं, उनमें जो फालतू की जो मैं ये कहूँ कि लेसन है उनको हटा दिया जाए। उसका इम्पैक्ट हुआ भी, लेकिन वो फिर बाद में वही 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 होता गया। तो एक तो हमारा जो, हम पूरा सिस्टम को दोष नहीं दे सकते इसमें, हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी सेम रोल है। मैं आपको बताया कि टेबल टेनिस, स्विमिंग इत्यादि कोचिंग है, ट्यूशन हैं, कोचिंग है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ट्यूशन के बिना काम चल ही नहीं सकता। साइंस पढ़ रहा है बच्चा, ट्यूशन के बिना काम नहीं चलेगा उसका, कॉमर्स पढ़ रहा है, ट्यूशन के बिना काम नहीं चलेगा, ट्यूशन कंपलसरी समझ लेते हैं कुछ पेरेंट्स। ओके, ऐसा नहीं है, NCERT अगर आप बेटर ढंग से पढ़ते हैं तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आर्टिकल लिखा गया था जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम मूव करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो लिखा गया है कायाकल्प की कोशिश, बलबीर पुंज जी द्वारा। ये यूपी में जो उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का, उसमें हो रहे दो तीन जो आस्पेक्ट हैं, जो दो तीन चीजें हुई हैं हाल में, जो काम हुए हैं उनको मिलाकर बात करते हैं। पहला काम ये कहते हैं कि एक निवेशक सम्मेलन हुआ, आपने देखा हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी सरकार ने एक सम्मेलन किया, अभी हाल की बात है। दूसरा, अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण को ये लाते हैं। तीसरा, नकल विरोधी नीति को लाते हैं। निवेशकों का सम्मेलन हुआ, 4.68 लाख करोड़ निवेश मिला है यूपी को इस सम्मेलन के माध्यम से। मतलब ये कि इतना इन्वेस्टमेंट यूपी में होने वाला है, विभिन्न घरानों द्वारा, विभिन्न कंपनीज में, विभिन्न इन्वेस्टर्स जो आएंगे वो, या फिर मैं कहूँगी इनोवेशन में निवेश होने वाला है। दूसरी बात, अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण, अभी बहुत सारा न्यूज में ये आ रहा है कि भाई जो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपराधियों के प्रति सशक्त या सख्त दृष्टिकोण रख रहे हैं, और जो वहाँ के जो मैं ये कहूँ कि भाई साफ सुटर हैं, साफ माइंडर हैं, अपराधी हैं, वो इस प्रकार से डरे सहमे से हैं कि वो पुलिस के सामने नहीं आते, और अपराध बहुत ज्यादा कम हो गया है वहाँ पर। तो अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण वर्तमान गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव रहा है, और क्योंकि भाई अब तब बात करेंगे ना जब अपराधियों में डर हो। देखो, पुलिस का मेन स्लोगन है वो ये है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। तो जब आमजन में विश्वास होगा तो आप पुलिस को सही मानेंगे। तो तीसरी बात है नकल विरोधी नीति की।
नकल रोकने के लिए, 10th और 12th के एग्जाम्स में नकल रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रकार की नीति बनाई है, नकल विरोधी नीति। तो ऐसा न्यूज में आया कि भाई लगभग जो 66 लाख बच्चे थे 10th के, उनमें से 10 लाख बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो ये नकल विरोधी नीति, इसके कारण भी हुआ है कि भाई यूपी में एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। आगे ये कहते हैं कि भाई जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास है, इसका विकास करने के लिए भी गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया है और अन्य जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर पैसा लगाने के इच्छुक हैं कि भाई, क्योंकि देखो एक अन्य चीज ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि यूपी के कारण इसका विकास हुआ, ये मैं नहीं कह रहा पहली बात तो, ये बलबीर कुंज जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। ये कहते हैं कि भाई एनसीआर में ये एरिया आता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन में आने के एनसीटी में ये एरिया आता है, एरिया जब आता है तो जैसे कि आप दिल्ली से लगे हुए गुड़गांव को देख लो, वो हरियाणा में है। हरियाणा के बाकी मैं कहूँ कि जो एरियाज हैं, बाकी जो क्षेत्र है उनकी तुलना में गुड़गांव ज्यादा विकसित है साहब। अब नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, ये दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र है, तो सिंपल बात है वहाँ का एनसीआर के कारण यहाँ का विकास ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, जो यूपी है वहां पर मथुरा हुआ, अयोध्या हुआ, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, नदियां हैं, गंगा यमुना बहती है यहाँ पर, ऐतिहासिक धरोहर है, ताजमहल हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यूपी में। और जनसंख्या के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ब्राजील के बराबर जनसंख्या, 22 करोड़ जनसंख्या जो यूपी रखता है, अकेला भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरी चीज, जो इसकी जीडीपी है वो इंडोनेशिया के बराबर जीडीपी रखता है, बांग्लादेश के बराबर जीडीपी रखता है, मतलब जीडीपी भी बहुत ज्यादा है। जीएसडीपी की बात करूंगा, जीडीपी की बात नहीं करूंगा मैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, भाई स्टेट में कितना प्रोडक्ट हो रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो बलबीर कुंजी लिखते हैं कि ये यूपी को चेंज करने के लिए, कायाकल्प करने के लिए जो वर्तमान गवर्नमेंट काम कर रही है, उन सब एस्पेक्ट पर ये अभी तक खरी उतरती नजर आ रही है। ठीक है, तो निवेशक सम्मेलन हुआ तो भाई इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार बढ़ेगा, सिंपल बात है। अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण बड़ा, जो गवर्नमेंट का है उससे जनता में, आम जन में विश्वास होगा पुलिस के प्रति। नकल विरोधी नीति है तो हमारे यहाँ बेटर लोग, बेटर स्टूडेंट्स निकलेंगे आगे और वो इनोवेशंस करेंगे। ठीक है, अगला जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक न्यूज है, सोलर पैनल विवाद। ये विवाद WTO में भारत और अमेरिका के मध्य चल रहा है। भारत की जो एक पॉलिसी है, या मैं कहूँ कि एक मिशन है, जो राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन में भारत ने कहा है कि भाई जो सौर ऊर्जा के उपकरण है वो आयात नहीं किए जाएंगे, वो इंडिया से ही, इंडिया में ही बनेंगे। तो अमेरिका ये कहता है कि भाई ये तो उसके अगर इंडिया ऐसे उपकरण आयात नहीं कर रहा है तो अमेरिका के, या फिर या मैं कहूँ कि विकसित देशों से अगर वो आयात नहीं कर रहा है तो विकसित देशों के व्यापार पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये इस प्रकार का विवाद WTO में अमेरिका लेकर गया है। तो WTO ने कहा है कि हम इसके लिए फिर भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बना देंगे, विवाद निवारण के लिए एक बॉडी बना देंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक न्यूज ये भी है कि भाई WTO के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेसन देख सकते हैं। दूसरी चीज, स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% आयात शुल्क लगाया है अमेरिका ने, 25% आयात शुल्क लगाया गया है। एंड जो हमारे सेल के जो मुख्य प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा, मुख्य महाप्रबंधक जिनको मैं कहता हूँ, CMD है या फिर, उन्होंने कहा है कि भाई इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है हम पर, क्योंकि हम अमेरिका से इतना ज्यादा स्टील और एल्यूमिनियम आयात नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहां से हम केवल 2% इतना स्टील और एल्यूमिनियम आयात करते हैं, तो इससे इससे ज्यादा कुछ हमारे यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, आप कितने भी परसेंट बढ़ा दो। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।